तुमने कीर्तन कर लियो ना तो प्यारे श्याम सुंदर हमारे घर माखन चुरावे अवश्य पधारेंगे। जाओ तूने सावधान लियो, कहूं प्यारे श्याम सुंदर तो ही कु नहीं बांध जाए, वे बड़े छलिया आए। अरे तो मैं उनते बड़ी छलिया हूँ, काहे की चिंता कर रही है, आप देख लूंगी मैं। जाओ ठीक है सखियो, हम अपने घर जा रही हैं। जाओ शिक्षा की सखी, इसने बीड़ा उठाया कि मिनंद के छलिया को पकड़ के और बांध के तुमको दिखाऊंगी। सखी ने सुंदर आसन कन्हैया के लिए बिछाया और सुंदर मटकी में सुंदर माखन रखने की चोरी करने के लिए आवत शाम लटक चले जान गए बजरूपी के हृदय के बाल को और कन्हैया चोरी करने के लिए जा रहे तो भाव कन्हैया का आप सभी बड़े ध्यान से सुनेंगे। जीव जो चोरी करता है उसमें क्या फर्क है और भगवान स्वयं परमात्मा चोरी करता है उसमें क्या फर्क है, आप सभी कन्हैया के मुख से श्रवण करेंगे बड़े भाव से शांति से। आहा देखो, मैं जो यहाँ ब्रज वृंदावन में अनेकानेक रसमयी मधुर लीला करूं, उनमें मेरी ये माखन चोरी लीला प्रथम विनोद रसमयी मधुर लीला है। यह जगत के जीवन के चोरी कर्म में और मेरे चोरी कर्म में स्वर्ग नर अमृत दिन रात को सो महान अंतर है, सुयामी कारण है। यथा पहला कारण ये जीव वस्तु के अभाव में भर के चोरी करे और मैं सब प्रकार सो परिपूर्ण है कि चोरी करूं, ये भयो पहला कारण। और दूसरा कारण ये जीव अपने स्वार्थ के लिए चुरावे हैं, परंतु मैं तो इन ब्रजगोपिन को सुख देवे के लिए चोरी करूं, ये भया दूसरा कारण। और तीसरा कारण ये मानव पराई वस्तु की चोरी करे है, परंतु मेरे लिए तो ये संसार की समस्त वस्तु अपनी ही है, फिर भलो अपनी वस्तु को लेनो चोरी नाम कहा। अरे चोरी नाम तो पराई वस्तु के हरण करवे को हुई है, ये भयो तीसरा कारण। और चौथा कारण बाल कृष्ण लाल की ही मानव चोरी करे अपनी मालिक की इच्छा तथा आज्ञा के बिना, और मैं चोरी करूं इन ब्रजगोपी की इच्छा थी। अजी चोर को कोई अपने घर में बुलावे नहीं, परंतु ये ब्रजगोपी तो अपने घर में बुलाए बुलाए के मोपे माखन मिश्री की चोरी करवा में, यहाँ सो चलूं यहाँ ब्रज गोपी के घर चलूं और यहाँ की इच्छा पूर्ण करूं, कारण कि मेरा अवतार तो ब्रज भक्त ब्रज गोपी को सुख देवे के लिए भयो है, यहाँ की चलूं यहाँ की इच्छा पूरी करूं। ब्रज गोपी समझ के जा रहे हैं, देखिए चोर कैसे चलता है कन्हैया आपको बतला रहे हैं। जो कुछ चोरा ब्रजनम प्रसम नमामि, चोरों के सरदार है कन्हैया,
कन्हैया चोर की चाल से आ रहे थे ब्रजगोपिया। बलिहारी बलिहारी कैसे चोर की चाल से आ रहे, कबू तो एक पाम आगे को बढ़े और फिर दो पाम पीछे को हटे और इतवित को देखे कि मोह कोई देख ना रहे हो। चोर की चाल पे बलिहारी जाऊं बलिहारी, पर अभी नहीं, जब ये मेरे घर में माखन चुराएंगे तब मैं इनको पकड़ूंगी, अब तो छिप जाऊंगी। वो भी छिप गई और घर में कन्हैया पहुंच गई। आपने चेंटी भी नहीं, या सो ये हाथ माखन में सन गए।
परंत नंदलाल या मुखारविंद का चेटा भी ने जो सबरे मुंह पे माखन लग रहे हो, मुख पे माखन लग रहे हो, खाओगे तो लगेगा ना ही। अरे सखी याद आएगी, कहा जब मैं चेटी पीन रहे हो ना तो एक चेटी मेरे हाथ पे चढ़ गई, वो चढ़ती 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 मुख पे आ गई और मुख पे आए के वाने बड़ी जोर से काट लियो। वही समय सीरे सीरे चली प्यार और मीठी मीठी चली खुजार, मेरे माखन मिश्री के हाथ है ही रहे सो मैंने उनसे खुजा लियो, मुख पे माखन लग गए हो वो कोई बात ना। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, अब तो सही है। वाजी वाह, हमारे ही तो माखन को खाओ और हमारे ही वस्त्रन सो अपने मुख को पहुंचो। वारी सखी वाह, हम माखन खामे तेरे घर में और मुख पहुंच हो जाए कब दूसरे के घर में। ज्यादा चतुराई में खर्च मत करो, लंबे हाथ कर दो लंबे, बांधूंगी आज तो। बांधेगी सखी, हाँ देख रही हूँ खाते बांधेगी। देखो याते बांधूंगी याते। अरे सखी याते बांधेगी, याते बांधूंगी सखी। बांधवे ते पहले मेरी एक विनती तो सुन ले। सुनाओ। 500 रुपए पीएन तिवारी जी भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न रखे। हरिनक धीरे धीरे बांधियो रे, हरिनक धीरे धीरे बांधियो रे, हो मेरी दुखिंगी आय नरम फलैया, नक धीरे धीरे बांधियो रे, तेरी डोरी देख सखी ना, तो ये छिल जाएंगी। याते तेरा तो कछु नहीं बिगड़ेगा, मेरी पीड़ा है जाएगी। आप चिंता मत करो, ये रेशम की डोरी है, याते आपके हाथन में लगेगी ना और धीरे धीरे ही बांधूंगी, आप तो लंबे हाथ कर दे। देख सखी मैं तो साची साची बता दू तब तो छोड़ देगी। अब तक का झूठ कह रहे ना, झूठ तो ना कह रहे हो, खुली किवार छोड़ नहीं थे ने, याते घुसी मिलिया आज छोड़ दे। हाँ खाऊं भरू में तेरी पैया, सखी तू पानी भर में गई गई तो तू अपनी किवारन को खुली छोड़ गई। अच्छा मैं वहां दूर ठाड़ो, तो मैंने कहा देखा कि तेरे घर में भिलैया घुस रही पीछे थे। हाँ मैंने विचार किया कि सखी तो बड़ी सूदी सांची है, ये भिलैया आके दही दूध को फैला जाएगी, माट मटकान को फोड़ जाएगी, यहाँ मैं यहाँ ठाड़ो ठाड़ो कहा कर रहे हूँ, मैं अब भिलैया को भगा दू। मैं तो भिलैया भगावे आयो और थे मैं पकड़ लियो। बलिहारी प्यारे बलिहारी, आप भिलैया भिलैया भगावे ना, खुद बिलोटा बन के घुस आए होंगे घर में, लंबे हाथ कर दो बांधूंगी। कहे तो सखी तो ही नाच दिखाओ करके ताता थैया। सखी मैं तो ही नाच के दिखा दूं तब तो छोड़ देगी। आपको नाच मुझे अच्छा लगे तो छोड़ दूंगी, मैं तो फिर बांधूंगी। हम अच्छी नाचेंगे। अच्छा हाँ आया। अरे नाचे न दिलाल नचावे ब्रजकी दो, नाचे न दिलाल
बहुत जोत्ते भक्त है, लंबे हाथ कर दे लूंगी, पर तुम्हें बांधूंगी। सखी तो को मेरे मुख को देख के दया ना आवे। नंदलाल आपके मुखे देख के बहुत दया आवे, पर आपके करतूत है ना, करतूत ने देख के पानी में आग लग जाए। सखी बन गया काम। कहा? अरे तू हमारे करतूत ने देखे काहे को है? अरे मुख को देख लिया पर छोड़ दिया कर, अब मुखे देख ले और छोड़ दे। नित्य नित्य मुख देखवे ते काम ना चले। आज तो करतूत देख लिए, बांधूंगी, लंबे हाथ कर दो। बांधेगी? हाँ। थले बांध। अरे श्याम पड़ो छलिया बची रही हो गोरी, और ये तेरी है गई गांठ। गांठ? नंदलाल दो गांठ तो समझ में आ गई, पर ये घुर्र गांठ समझ में नहीं आई है। सखी ये घुर्र गांठ ऐसी है, यहाँ घुर्र गांठ के नीचे दो गांठ है ना, ये घुर्र गांठ उन्हें ना खड़न दे। अच्छा ये सब गांठन की गुरु है? हाँ गुरु है। सब गांठन की गुरु है। बंद गई ना? ना अब तो तू आधी बंद है, पूरी बंद जा, जल्दी बांध दियो। अरे श्याम बड़ो छलिया बची रही हो ज्यादा चतुराई में खर्च मत करो, जल्दी खोल दियो। तयो बता मैं थोड़े खोल दऊ तो तू मेरो का करेगी? आप बांधूंगी और का करूंगी? देख लो जी गुरु की विद्या गुरु पे ही चलावेगी, हमने बांधवो सिखाया है और हमें ये बांधेगी। गुरु की विद्या पहले गुरु पे ही चलानी चाहिए, कोई कमी रह जाए तो गुरु जी बात बताए के दोबारा पूरी तऊ कर दे। अब ना खोलूंगा, अब तो मैं अपने सखान को बुलाऊंगा। आपके हाथ जोड़ूं? आपकी ना ना, यदि तुम को बांध देती तो अपनी सब सखी को
बुलाए की मेरी हंसी करवाती, अब मैंने तू मान दी है तो सब सखाने बुलाए की उन्नी सुकर शनि चरण मत बुला नंदलाल, आपको जितनो माखन खानो खा जाओ। नहीं, अरे भैया ग्वाल वालो, अरे सारे भगे चले आओ। एहे, जैसे कन्हैया ने आवाज लगाई महाराज चले आए दौड़े में आ रहे दादा। कन्हैया राम राम, जय श्री कृष्ण, प्रसन्न रहो। आहा कन्हैया जी, आज ये ग्वाल वाल रेंदा पैदा झील झपट्टू रेंटू बैटू क्यों बुलाए? अरे चलो। कहाँ चलो? चोरी करवे। चोरी? हाँ जा सारे चोरी करवे। ना 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 ना, चोरी करवे हम नहीं जाएंगे। क्या? अरे चोरी में पतो तुकु। हाँ। अरे घर बारे माता पिता को नाम बदनाम है जाएगो। अरे खाई की चोरी। अरे चोरी कैसी? वही हाँ, यदि घुस गए काऊ सेठ के घर में तो जाते ही तिजोरी को तारो तोलो, वहां में ते माल टाल सब खींच लियो, वाके सोफा सेट भोपा सेट ये सेट सब उठा लिए। और यदि घुस गए काऊ जमींदार के घर चोरी करवे तो वाके बैल खोले भैंस खोली गैया खोली मैया खोली। मैया? अरे मैया का करेगा? अरे गैया दूध पीवे को और मैया रोटी करवे। अच्छा। और यदि घुस गए काऊ माधु सात माँ की कुटिया में। माधु सात माँ? अरे माधु, अरे साधु महात्मा, साधु महात्मा की कुटिया में घुस गए तो जाते लोटा लियो सोटा लियो लंगोटा लियो तुमा कठारी घंटारी सालग्राम जी धर लियो और भोग प्रसाद खाए गए। यदि काऊ ने नहीं पकड़े माल हमारो और हमारे बाप दादा को चले आओ मूछिन में अंटा लगा के, और यदि काऊ ने पकड़ लिए हाँ तो आगे आगे जीजा जी और पीछे पीछे सारे जी वो राजा कंस के सिपाही पकड़ ले जाएंगे। अरे सिपाही? हाँ हाँ सिपाही। अरे वो चोरी ना है। तेरी ऐसी चोरी नहीं है? नहीं। तो कैसी चोरी है तेरी? माखन मिश्री। मारे मेरी सुसरी। अरे मर मेरी सुसरी ना है। माखन मिश्री। माखन में लिशुड़ी? अरे लिश्री ना है। माखन मिश्री। दाल भात खिचड़ी? अरे बंगाली कोई ना है। तो कन्हैया सुन, आपने के धीरे धीरे कहे जल्दी जल्दी कहे तो तेरी दांतन में ते हवा निकल जाए। हाँ धीरे धीरे कहे माखन। अरे माखन मिश्री। माखन मिश्री। अरे अरे रुक रुक, लाओ लाओ जल्दी लाओ माखन। सुसरी कहाँ है? अरे सुसरी ना है मिश्री, जो बरसाने वाली भावी खवा में। अच्छा माखन मिश्री की चोरी? हाँ। कन्हैया सुनो, चोरी तो चोरी है, चाहे माखन मिश्री की करो चाहे दाल भात खिचड़ी की करो। कन्हैया चोरी करवे हम नहीं जाएंगे। अरे सारे जल्दी चल, नहीं तो ना ना ना, हमारी बात सुन ले। वीर बहादुर जी यादव वो भगवान के चरणों में 100 रुपए अर्पण कर रहे हैं। कन्हैया हम चोरी करवे नहीं जाएंगे, ग्वाल मंडली हमारी ऐसी है। अरे ना आज तो चोरी करेंगे। क्या भाई चलेंगे? चलेंगे। अरे चलो जब सबन की ऐसी इच्छा है तो जन्म जन्म को मेला हम गुरु तुम चेला। जन्म जन्म को मेला तू गुरु हम चेला। जन्म जन्म को मेला तू गुरु हम चेला। चेला चेला ऐसा करो। हाँ। सखी के छीके ऊंचे। अच्छा याते सारे एक एक बन जाओ घोड़ा। हाँ। मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ के मटकी में उतार लूंगा। वाह हम बन जाए तेरे घोड़ा और तू चढ़िया हमारे ऊपर छोरा और तू माखन खाली जो हम घोड़ा बने रहेंगे। अरे ना सारे नीचे दे दूंगा। अच्छा दे देगो ना? हाँ, जल्दी तो जल्दी करो और सुनो। हाँ, हाँ। धीरे धीरे हल्ला मत करो नहीं कोई आ गए हो ना। माखन की चोरी।
नेताजी दादा राव कासर भगवान के चरणों में 1000 रुपए अर्पण कर रहे हैं। माननीय नगर सेवक श्री सुरेश तात्या मेत्रे यांचा आगमन झालेला आहे, त्यांना आम्ही स्वागत करतोय, धन्यवाद।
एक बात बताओ, ये हाथ जोर की क्यों ठड़ी? इनने माखन खवायो, हाथ जोर रही है कछु आशीर्वाद दे ब्राह्मण दे, हमारो आदर सत्कार कर रही है। हाँ। हम तो कह रही है कि हमें अपनो झूठो प्रसाद दे। हाँ। हाँ, तो जरूर तो सामने ले ले भाभी जी, बम्बो जी, हमारा झूठो प्रसाद। हमारी झूठे ने खाए के इतनो बड़ो है वो, तू हमें अपनो झूठो दिए गो। ये आप का कह रही है, तुम्हारो झूठो हमने कब खायो? तू और का खावे, झूठन पे तो पर्यो भयो है। हम झूठन नहीं खामे, झूठन तो ये खामे, हमने तो सद माखन खायो। अच्छा हमने। ए ओ भैया सुनो, देखो ये सखी हमारा प्रसाद नहीं ले रही। हाँ। हमारे प्रसाद को अनादर कर रही है और हमको गुस्सा आ रही है। ओ, 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 ये उड़ जा मत। सुनो सुनो, हमें रिसा रही है। सुनो सुनो, हाँ हाँ, और एक हुआ, ये हमारा प्रसाद नहीं ले रही है। खुशी रहो जिजमान, आग तुम्हारी दोनों फूटे और घोटून के बल गिरो, दांत बत्तीसों टूटे। तुम्हारे घर में लग जाए आग, जय हो परमात्मा ने ध्यान ते सुनियो। तुम्हारे घर में लग जाए आग, चोर तुम्हें दिन में लूटे, जीमती रहो जागती रहो भट्टी में लालती रहो। अरे कन्हैया की भक्ति, ऐतवार रहो सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, साढ़े सात वर्ष को शनिचर आपके ऊपर बैठो रहे। आप ऐसी बुलाती रहो, हम ऐसी माखन काबे आते रहे। चलो प्रकार से भगवान ने माखन चोरी लीला की और समस्त ब्रज गोपियों को और ग्वाल वालों को सुख दिया। आइए, प्रातः काल का समय है, माँ यशोदा ने कन्हैया का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, हाथ में सुंदर बंसी और सुंदर गेंद लेकर के कन्हैया आ रहे हैं जमुना के किनारे पर।
काहे को हम ब्रज में आवत खेलत रहत आपनी पौरी सुनत रहत सब नन नन धोटा करत फिरत माखन की चोरी। अजी हम यहाँ खेलवे काहे को आमे हैं, हम तो अपने ब्रजभान बाबा की पौरी पे ही खेलो करे हैं। परंतु जी हमने अपनी आँखों से तो देखे नहीं है, अरे हाँ हमने अपने कानों से अवश्य सुनी है कि श्री नंद राय जी के लाला माखन मिश्री की चोरी करे हैं जी, चोरी। तो कहा वह चोर देवता आप ही हो जी। हाँ जी, श्री नंद राय जी को लाला तो मैं ही, परंतु जी मैंने आपको ऐसा कहा तो चुरा लियो है, और कहा चुरा सकूं। देखो मेरी और आपकी कितनी सुंदर जोड़ी बनी है, यदि आपकी इच्छा होए तो यह संकेत वन में विहार करिया में। जैसी आपकी इच्छा। कन्हैया और श्री राधा वन में विहार कर रहे हैं। कृष्ण प्रेम मई राधा, राधा प्रेम मयो हरि, जीवन निज नित्य राधा कृष्ण कति मम, राधा कृष्ण कति मम, वृंदावनेश्वरी सा
नाम है नंदघाम और मेरा नाम है कुमरकान। परंतु यहाँ ब्रजमंडल में मोते कोई नंद को लाला कहे, कोई ग्वालिया गोपाल कहे, कोई जगप्रति पाल कहे। परंतु जी आपको तो एक नाम याद है, वह है माखन चोर। चोर इन नामन में ते आपको जो कोई नाम याद आ जाए आप वही नाम से मोको बुला ली। अजी हमारे बरसाने गांव से आपको नंदगाम बहुत दूर पड़ जाए है, फिर भली हम खेलती खेलती आपके नंदगाम कैसे आएंगे। देखो जी जो जानो सदस्य विद्यमान कार्य सम्राट आमदार आदरणीय महेश दादा लांडगे, मी विश्व श्रीराम सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष लालबाबू गुप्ता आपल्याला विनंती करतो की आपण आदरणीय आमदार महेश दादा लांडगे यांचं या ठिकाणी स्वागत करू। त्यांच्याबरोबर विद्यमान कार्यक्षम नगरसेवक आदरणीय दत्ताकाका साने, नंती मी विश्व श्रीराम सेनेचे संस्थापक आदरणीय लालबाबू गुप्ता आपल्याला या ठिकाणी करतो। वृंदावनचे हे सर्व कलाकार आहेत, या कलाकारांना या ठिकाणी प्रत्यक्ष बसू विधानसभेचे विद्यमान कार्य सम्राट आमदार महेश दादा लांडगे हे शुभेच्छा देत आहेत। सर्वप्रथम मी आदरणीय लालबाबू गुप्ता विश्व श्रीराम सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष आपल्याला विनंती करतो, बसू विधानसभेचे विद्यमान कार्य सम्राट आमदार महेश दादा लांडगे दादांचं या ठिकाणी आपण सन्मान करूया। जरा जोरदार ठिकाणी आपण स्वागत करूया, कौतुक करूया दादांचं। मी सर्व कमिटीला या ठिकाणी विनंती करतो, विधानसभेचे विद्यमान कार्य सम्राट आमदार महेश दादा लांडगे दादांचा सन्मान या ठिकाणी दादा ने दिखरे ना इनको साइड लालबाबू गुप्ता यांच्या शुभ हस्ते पार पडतोय। यानंतर आदरणीय दत्ताकाका साने यांचा सन्मान करण्याची विनंती मी लालबाबू गुप्ता आपल्याला करतो। त्याचबरोबर या प्रभागाचे विद्यमान कार्यक्षम नगरसेवक आणि विधी समितीचे सदस्य सुरेश तात्या मेहत्रे यांचाही सन्मान करण्याची मी विनंती करतो। या ठिकाणी तरुणांचे मार्गदर्शक या प्रभागाचे विद्यमान कार्यक्षम नगरसेवक आदरणीय सुरेश तात्या मेहत्रे यांचा सन्मान झाल्यानंतर मी दत्ताकाका साने आमचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक या प्रभागाचे आणखी एक विद्यमान कार्यक्षम नगरसेवक आदरणीय दत्ताकाका साने यांचा सन्मान करण्याची विनंती लालबाबू गुप्ता आपल्याला या ठिकाणी करतो। माझी या ठिकाणी विनंती राहणारी आदरणीय आमदार महेश दादा लांडगे दादा या कार्यक्रमाला आपण शुभेच्छा देऊयात। सर्वप्रथम मी सर्वप्रथम सुरेश दादा मेहत्रे तात्यांना विनंती करतो, या प्रभागाचे विद्यमान कार्यक्षम नगरसेवक विधी समितीचे सदस्य आदरणीय सुरेश तात्या मेहत्रे या ठिकाणी शुभेच्छा देत आहे। आज या ठिकाणी श्रीराम सेना
विश्व श्रीराम सेनेतर्फे सालाबाद प्रमाणे से 4 वर्षापासून कृष्ण जन्माष्टमी हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होत आहे। आणि या निमित्त या वर्षी एक धार्मिक कार्यक्रम या मंडळाने आयोजित केलेला आहे। दरवर्षी ती बिरा ते असतं, त्यामुळे तरुणांची गर्दी खूप असते। आज खरा धार्मिक कार्यक्रम आहे, पण तरुण लोक कुठे गेली माहीत नाही। नक्की काय पाहिजे आजच्या पिढीला हे महत्त्वाचं आहे। आता उद्या बघा प्रत्येक ठिकाणी दहीहंडी आहे, सैराट गर्दी होणार बघा, खूप ठिकाणी सैराट गर्दी होणार। असो ज्याच्या त्याच्या वयाप्रमाणे ह्या गोष्टी घडत जातात। सकाळी लाल गुप्ता आणि त्यांची टीम इथे बसली होती, पाऊस जोरात झाला होता, आता काय करायचे म्हणून चिंतेत होती, परंतु कृष्ण भगवानने ऐकलं आणि गोवर्धन पर्वताप्रमाणे उचललं, हे आकाश असं फेरून ठेवलं आणि आजचा या कार्यक्रमात तुम्हाला लाभ भगवान श्रीकृष्णाने दिलाय। म्हणून आजच्या या कार्यक्रमाच्या आपणाला सर्वांना शुभकामना या ठिकाणी मी देतो। आणि भगवान श्रीकृष्णाने असंच आमच्या पाठीशी राहावं अशी मी सर्वांतर्फे त्यांना प्रार्थना करतो। आणि यानंतर या प्रभागाचे विद्यमान कार्यक्षम नगरसेवक आमचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय पत्ता कसाने काकांना विनंती करतो। विश्व श्रीराम यांच्या सर्व संयुक्त विद्यमानं गेले अनेक वर्ष कृष्ण जन्माष्टमीचा हा जो कार्यक्रम घेण्यात येत आहे, आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित आमच्या उपस्थित विधानसभेचे लाडके आमदार आदरणीय महेशदादा लांडगे, या प्रभागाचे कार्यक्षम नगरसेवक सुरेश सत्यम मेत्रे, आमच्या या विश्वसेना श्रीराम सेनेचे सर्व कार्यकर्ते, लालबाबू असतील, विजयबाबू असतील, सर्वच कार्यकर्ते उपस्थित बंधाने बघितले। आज गेले अनेक वर्ष हा कार्यक्रम या ठिकाणी अतिशय गुण्यागोविंदाने घेतला जातो आणि आज तात्याने सांगितल्याप्रमाणे सकाळपासून सर्वच चिंतित होते की पाऊस गेले 2 दिवस झालं अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपल्या भागात चालू आहे आणि पावसामध्ये नक्की काय करायचं ह्या सर्वांचा प्रश्न होता। आत्ताही मगाशी लालबाबूंचा मला फोन येत होता की दादांना लवकर बोलवा, पाऊस यायला लागलाय। आणि गेले अनेक दिवस या भागामध्ये या सर्व नागरिकांना दादा आपल्याला भेटायचं होतं, आपल्या शुभेच्छा त्यांना ऐकायच्या होत्या। मला वाटतं गेले 3 वर्ष आपण सतत या कार्यक्रमाला, आपण ज्या ज्या वेळेस या ठिकाणी कार्यक्रम झाले त्यावेळेस आपण बाहेर होता। आज योगायोगानं आज खरं म्हणजे ज्या दिवशी मला यांनी सांगितलं की दादा कसल्याही परिस्थिती या कार्यक्रमाला येणार आहेत, मी त्यांना त्या दिवशी सांगितलं दादा या ठिकाणी आहेत आणि 100% आपल्या कार्यक्रमाला येतील असं या निमित्त मी सांगितलं होतं। आणि आज आपल्या सर्वांच्या आग्रहाखातर दादा या ठिकाणी आले, त्याबद्दल मी श्रीराम सेनेच्या वतीनं, मी सर्व आपल्या बांधवांच्या वतीनं मी मनापासून दादांना शुभेच्छा देतो। असंच आमच्या या नागरिकांवर प्रेम राहावं आणि त्यांच्यावर जीव लावावा अशी मी त्यांना विनंती करतो। ज्या भागामध्ये पूर्वी दादा तुम्हाला माहिती असेल की एका विद्यमान मला वाटतं मनसेच्या नेत्याने आमच्या या लोकांना शहराच्या बाहेर काढा असा एक संदेश दिला होता, दादा तुम्हालाही त्यावेळेस माहिती आहे। पण ज्यावेळेस या सगळ्या घटना होत गेल्या त्यावेळेस हे नागरिक सर्व आमचे यूपी बिहारवाले सर्व भयभीत झाले होते आणि त्यावेळेस या लोकांना एक आम्ही शब्द दिला होता, तुम्ही ज्यावेळेस चिखले स्वतःचं घर राहिले तुम्ही आमच्या गाववाले झालेले आहात, त्यामुळे तुम्हाला इथून कुणीही बाहेर काढणार नाही, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, या शब्द त्यावेळेस त्यांना दिला होता। आजही त्यांना याच पद्धतीने आम्ही वागणूक देत आहोत। सर्व गुण्यागोविंदाने आम्ही आमच्या परिसरामध्ये हे नागरिक राहत आहेत, यांना कुणीही आपल्या हातीच्या बाहेर काढणार नाही असं त्यावेळेस आम्ही ग्वाही दिली होती। आजही लोक याचा सर्व साक्षी आहेत, म्हणून मी सर्व विश्व श्रीराम सेनेला मी मनापासून शुभेच्छा देईल। आपण असेच चांगले कार्यक्रम घेत राहा, आम्ही आपल्या सदैव पाठीशी राहू अशी या निमित्त सांगतो। कृष्ण जन्माची आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देऊन थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। अतिशय व्यस्तता असताना सुद्धा या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देण्यासाठी दुसरे विधानसभेचे विद्यमान कार्यसम्राट आमदार महेश दादा लांडगे, दादा आपण या ठिकाणी उपस्थित राहिलात। मी विनंती करतो आदरणीय कार्यसम्राट आमदार महेश दादा लांडगे, दादा आपण या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देऊया।